नमस्कार दोस्तों, मैं बबन बागी, आप देख रहे हैं माई पी जी ब्लॉग। और दोस्तों, मैं हर बार की तरह आज भी आ चुका हूँ आप सभी लोगों को दिखाने के लिए मूर्ति। आप सभी लोग जानते हैं नवरात्रि आने वाला है, तो यहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही है नवरात्रि के लिए। देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे मूर्तियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को हम दिखाते हैं जो मूर्ति बना रहे हैं, जिनके हाथों की कला से यह मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए आज उनसे भी हम मिलवाते हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। अगर आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप सभी लोग तक पहुँचे। चलिए आप सभी लोगों को बाय कैमरे से मूर्ति दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पे मूर्ति बन के तैयार एकदम सज गई है। दुर्गा माता है, देख लीजिए इनका शेर भी यहाँ पे है। देख सकते हैं यहाँ पे मगरमच्छ भी बनाया है, कितनी अच्छी डिजाइन है यहाँ पे मगरमच्छ के किए हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे राक्षस भी बन के तैयार हुआ है, और शेर भी है दोनों तरफ, और इधर भी देख लीजिए दुर्गा माता बनी हुई है। और चलिए अंदर की तरफ दिखाते हैं, अंदर की तरफ कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन है, यानी कितनी अच्छी अच्छी कला है भाई साहब जो है बना रहे हैं। देख लीजिए अंदर भी, क्योंकि दोस्तों इनके पास रखने की उतना जगह नहीं था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ बना के सभी जगह रखे हुए हैं। वहाँ पर भी रखे हुए मूर्ति देख आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, देख लीजिए वहाँ पे। तो चलिए भाई साहब जो हैं उनसे मिलो, देख सकते हैं यहाँ पे जो भैया हैं इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो भैया नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? नरेंद्र कुमार। हाँ, नरेंद्र कुमार भिलारा। अच्छा, नरेंद्र कुमार भिलारा, तो भिलारा है दोस्तों, यह गांव है हमारा भिलारा। तो भैया ये मूर्तियाँ आज आप कितने में बेचेंगे? भैया मूर्तियाँ हैं 8,000, 6,000, 10,000, 15,000 तक मूर्तियाँ। इतनी महंगी महंगी मूर्ति ऐसे बनाए हैं? अच्छा अच्छा, आप कम से कम एक मूर्ति पास 5,000-6,000 लगता है। यानी एक मूर्ति 5,000, यानी सजाने में इसको बनाने में 5,000 लग जाता है? 5,000 लग जाता है। हाँ, 2-3 हज़ार बचता है। हाँ, आप यह काम कब से करते हैं? लगभग हम 8-10 साल से करते हैं। अच्छा, बना के मूर्ति बेचने का काम करते हैं। तो आपका कला देखकर तो हमको बहुत अच्छा लगा, और मूर्ति भी बहुत अच्छी लगी है दोस्तों। आपको भी यहाँ की मूर्ति चाहिए तो भैया से संपर्क करिएगा, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं, हम आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। तो देख लीजिए बाहर भी कितना अच्छा अच्छा मूर्ति है। तो दोस्तों, अभी इनको ठीक से सजाए नहीं है, इनके जो नाक में कान में लगता है, यानी सब जो आभूषण पहनती हैं वो सब नहीं लगा हुआ। देख लीजिए अब तब भी कितनी अच्छी मूर्ति लग रही है दुर्गा माता, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे सभी मूर्तियों में अभी गहना जो होता है इनका नहीं पहनाया गया है, देख लीजिए इनको, देखिए दाँत जो यहाँ पे दाँत निकाले पर खड़े हैं, देख लीजिए। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मूर्ति की रंगाई कर रहे हैं लाल पेंट से, यानी जो शेर इनको काटा हुआ है, क्या नाम इनका, जो राक्षस बने हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे लाल पेंट से कर रहे हैं, यानी खून लगा रहे हैं, जो खून की तरह लाल पेंट होता है वही लगा रहे हैं, देख लीजिए दांतों में इनके शेर जो हैं। तो देख लीजिए इधर नरेंद्र भाई अभी जुटे हुए हैं लगाने में, इनका आँख भैंसे की आँख में काला पेंट लगा रहे हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह छोटा सा ब्लॉग था, आप सभी लोगों को कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने सोचा कि आप सभी लोगों को एक बार अपने यहाँ की मूर्ति दिखाएं, यहाँ के कलाकार जो हैं नरेंद्र भैया है, किस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को कैसा लगा वीडियो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से।